आप देख रहे हैं BC24 न्यूज एक्सप्रेस में सीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विदिशा के खाई क्षेत्र में रहने वाले विनोद छीपा उर्फ विनोद बाबा, जो पिछले कई सालों से भीषण गर्मी में अपने चारों ओर कंडे की आग जलाकर तप करते आ रहे हैं। विनोद बाबा का कहना है कि वह महा अप्रैल में भी ऐसे ही तप कोरोना महामारी को लेकर कर चुके हैं और इसमें उन्होंने कहा था कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाए और अब की बार यह बच्चों में कोरोना संक्रमण ना हो, इसके लिए ईश्वर से तप करके प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत गरीब परिवार में रहने वाले और चाय की एक छोटी सी दुकान में पंचर जोड़ने का काम करने वाले विनोद बाबा दिल के बड़े अमीर हैं और यह पिछले लगभग 20 सालों से इसी प्रकार का भीषण गर्मी में कंडों की आग जलाकर उस धुनी में खुद के शरीर को तपाकर ईश्वर से समाज में फैली अनेक बीमारियों अनेक समस्याओं के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। विनोद बाबा की माने तो पिछले माह अप्रैल में भी उन्होंने इसी प्रकार का तप किया था और ईश्वर से प्रार्थना की थी कि देश से कोरोना का संकट कम हो जाए और अब इस कोरोना महामारी में बच्चों के ऊपर संकट के बादल आने की संभावना लग रही है। इसलिए मैंने आज फिर ईश्वर से प्रार्थना की है कि भगवान देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को इस व्याधि से अवश्य बचाएं। MPC24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। माँ माई देवी माँ कृपा से 26 अप्रैल को तप किया था, ये हठयोग तप है कि कोरोना कम हो, पूरे देश में कम हुआ और अब ये जो दूसरा कोरोना आ रहा है इसमें बच्चों की जान को खतरा है, पूरे देश के बच्चों की जान की रक्षा करे देवी माँ महामारी। यही भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द जब बच्चों की जान बढ़े, पूरे देश के बच्चों की जान खतरे में। तब तक आज समापन हो जाएगा।